खतीब हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने मुकद्दर हैं जिला मुरादाबाद के अंदर, जिला रामपुर के अंदर, मुफ्ती गुलफाम साहब को क्यों बुलाया है? इसलिए आपने बताया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिलमुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फऊजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस आमन्तु बिल्लाहि सदकल्लाहु मौलाना लजीम वबल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह ताला ने आज आपको अपने हबीब की महफिल में ला करके बिठाया है। आप देख रहे हैं शोराए मुल्के हिंदुस्तान आपके सामने बेहतर बेहतर कलाम पढ़ रहे हैं और बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप सुभान अल्लाह कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कहिए, या रसूल अल्लाह कहिए। ये आपके लिए चांस है, गोल्डन चांस नेकियां कमाने का। रोजाना आपकी रातें मोबाइलों की नजर हो जाती हैं, रोजाना आपकी रातें न जाने कितनी बदफैलियों में गुजरती हैं। आज जितना नसीबे पर नाज करें वो कम है, इसलिए यहाँ आपका बैठना भी इबादत, उलमाए किराम का सुनना भी इबादत, इनके चेहरे को देखना भी इबादत। और हद तो ये है, अल्लाह की इज्जत की कसम, आप जो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कह रहे हैं, ये आपके लिए आखिरत के लिए मगफिरत और नजात का जरिया हो रहा है। मेरा ईमान कहता है कि अगर एक जुमला भी मकबूले बारगाहे रब हो गया तो इंशाअल्लाह ये जलसा हम सब के लिए जन्नत की जमानत बन जाए इंशाअल्लाह। तो आप किस्मत पर नाज करें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज आप मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलसे में बैठे हैं। किसी ने कहा कि फजाओं में यहाँ की सांस लेना भी दरूदे पाक पढ़ना तो बड़ी दौलत है, सुभान अल्लाह कहना तो बड़ी दौलत है, फजाओं में यहाँ की सांस लेना भी तबर्रुक है कि आती है यहाँ बादे सबा चलकर मोहम्मद की ये महफिल है, यहाँ बैठो करीने से अकीदा है हमारा, आएंगे आका मदीने से, अरे खुशी हो आसियों कि अब यहाँ सरकार आएंगे, महक जाएगी ये महफिल नबुव्वत के पसीने से। अल्लाह अल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करूँ उन्हें कि जिन्होंने अपने बच्चे के अकीके के मौके पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलसा सजाया, सरकार कायनात के जिक्र की महफिल सजाई, उलमाए किराम को दावत दी। अल्लाह 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 तबारक बताला इंशाअल्लाह जरूर बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाएगा। वरना हद तो ये है इस मुआशरे में ऐसे मौकों पर ना जाने कैसी कैसी महफिलें सजाते हैं। अल्लाह की अता को ये कौम भूली हुई है। आज हालात तुम्हारी नजरों के सामने है, अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो आतिशबाजी होती है, अगर हतना और अकीके का प्रोग्राम होता है तो आतिशबाजी होती है, अगर शादी या मंगनी की रस्म होती है तो आतिशबाजी होती है। मेरे भाई, मैं दिल से क्यों ना मुबारकबाद पेश करूं बानी ये जलसा को जिन्होंने हमीरपुर को नहीं पूरे इलाके को ये मुंह तोड़ जवाब दिया है कि बेटा अल्लाह की नेमत, बेटी अल्लाह की नेमत, औलाद अल्लाह ताला देता है। सारी जिंदगी इंसान कोशिश करे, डॉक्टरों के चक्कर लगाता रहे, ताबीजात पहनता रहे, हकीमों के नुस्खे खाता रहे, मगर जब तक वो औलाद वाला नहीं होता, जब तक अल्लाह का करम नहीं होता, जब तक अल्लाह की अता नहीं होती, खुदा की कसम देता अल्लाह है, अल्लाह तबारक बताला औलाद अता करता है। कितना काफिर है वो दुनिया में रहने वाला इंसान, अरे बेटा अल्लाह देता है, शैतान राज
शैतान को राजी करता है, नेमतें अल्लाह देता है वो शैतान को राजी करता है। अल्लाह की कसम खा के कहूँ, जो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्लाह की नेमतों पर, अल्लाह ताला उनकी तर्ज जिंदगी से खुश होकर उनकी जिंदगी में और ज्यादा बहारें अता फरमाता है और ज्यादा बरकतें अता फरमाता है। आज हाल कितना बुरा है मेरे भाई, कितनी तूफान बदतमीजी है, कदम कदम पर अल्लाह की अता को भूला हुआ है, पल पल इंसान रज़ाए मुस्तफा को भूला हुआ है। ये काम जो हुआ है अल्लाह अल्लाह, मैं जिम्मेदारी के साथ इन मुकद्दस शोराए किराम की जमात में ये जिम्मेदारी से कह दूं कि यहाँ आकिल मुलादाबादी की दावत नहीं हुई है, सैयद साहब की दावत ही नहीं हुई है, मुफ्ती गुलफाम साहब को ही नहीं बुलाया गया है, नकीब जलसा जनाब नासिर कमाली साहब को ही नहीं बुलाया गया है, बल्कि अल्लाह अल्लाह ये कहने दिया जाए कि यहाँ आज जलसे में, इस तकरीब में, इस घर में आज मेरे मुस्तफा की भी दावत बुलाया वो सही जाता है भाई। बेशक बोलने चंद बातें हैं, कोई मैं तकरीर आपके सामने ना करना, मैं इतना बड़ा खतीब हूँ जो आपके सामने पुरजोश खिताब करूँ, बस अल्लाह तबारक बताला ने जो मुझे अता किया है वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि मुझ गुनेगार का तो नहीं हो सकता है सैयद साहब की दबा से निकला हुआ कोई शेर मकबूले बारगाह रब हो जाए, आखिर मुरादाबादी की दबा से निकला हुआ कोई शेर मकबूले बारगाह रब हो जाए। और इन जैसे पाक दामन उलमाए किराम के यारी, इनके सदके में मुझ जैसे गुनेगार का भी बेड़ा पार हो जाए, बस ये उम्मीद लेकर के जसारत कर रहा हूँ कुछ कहने की। दिल के कानों से सुनना, कितने खतीब हैं पूरी दुनिया के अंदर, कितने खतीब हैं हिंदुस्तान के अंदर, कितने मुकद्दर हैं जिला मुरादाबाद के अंदर, जिला रामपुर के अंदर, मगर मुफ्ती गुलफाम साहब को क्यों बुलाया है? इसलिए ये आपने बताया कि हम खुताबा में सबसे ज्यादा मोहब्बत मुफ्ती गुलफाम बाज। कितने शायर हैं मुल्क हिंदुस्तान में, कितने शायर हैं जिला रामपुर बरेली और मुरादाबाद इस मंडल के अंदर, मगर आपने सैयद साहब को दावत क्यों दी? आकिल लता मुरादाबादी को क्यों बुलाया? मुआज़बान और आदम इकबाल साहब को क्यों बुलाया? ये बताया आपने कि हम तमाम तर जमात शोरा में आपको ज्यादा चाहते हैं, आपको ज्यादा सुनना चाहते हैं, हमारे आपकी आवाज अच्छी लगती है। ये बताया आज का कौन हमीरपुर में रहने वाला इंसान ये कहे कि हम नबी से प्यार नहीं करते, अगर मैं आपसे हाथ उठवाने लगूं तो एक एक हाथ नबी के नाम पर उठ करके ये गवाही देगा कि मैं भी नबी से मोहब्बत करता हूं, मैं भी नबी से मोहब्बत करता हूं। हम मोहब्बत के भी कुछ तकादे होते हैं, मोहब्बत की भी कुछ दलील होती है, मोहब्बत के भी कुछ सबूत होते हैं। अरे वो इंसान क्या सबूत दे कि जिसने अपने बेटे की पैदाइश या बेटे की पैदाइश की खुशी में कंपनी या डांस बाजा कराकर, आतिशबाजी कराकर शैतान को राजी किया हो, उसने नबी को याद ना किया हो, खुदा के नाम ना लिया हो, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये तो वही कह सकता है कि जो अपने बेटे या बच्चों की खुशी पर नबी का जलसा करा सकता है, वही कहेगा अल्लाह की अता है, जिक्र भी अल्लाह का है, करम अल्लाह का है, मुस्तफा की महफिल है, नात मेरे नबी की है, जिक्र मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। हम जब दुनियादार से मोहब्बत करते हैं, जहाँ अपने यारों को बुलाया, रिश्तेदारों को बुलाया, वही हमने मदीने के ताजदार को। वाह भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आप अपने माथे की निगाहों माशाल्लाह जिस अजीम चेहरे का, जिस अजीम खतीब का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, वो मकबूल और मसरूफ मुल्क हिंदुस्तान का खतीब आपकी निगाहों का मरकज है। इंशाल्लाह वो शायर जनाब आदम इकबाल की शक्ल में आपके मिंबर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बस मैं चंद मिनट आपकी खिदमत और कर रहा हूँ और उसके बाद इंशाल्लाह मुफ्ती साहब का नूरानी व इरफानी किताब हमें आपको समाप्त करना है और एक और लहजा आपको इंशाल्लाह समाप्त करना है। थोड़ी देर आप इंशाल्लाह बर्दाश्त करें, दरूद पाक पढ़िएगा दिल के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि
सलातुम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे भाई बस मैं आपके सामने ये चंद जुमले रख रहा हूँ। हम कहते हैं हम नबी से मोहब्बत करते हैं, ईमानदारी से बताओ अपने बच्चों की खुशी में डांस कराने वाला बाजे गाजे से अपने बेटे की बारात ले जाने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? अपने घर में भांगड़ा कराने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? अपनी छत पर चलकर कई पेटियां छोड़कर आतिशबाजी करके पूरी बस्ती को परेशान करने वाला क्या नबी से मोहब्बत करता है? नहीं, झूठा है, बाकी है, दगाबाज है, बेवफा है, धोखेबाज है। याद रखो मुसलमानों, ये आतिशबाजियां खत्म करो। अल्लाह का प्यार है तुम पर, इतने गुनाह करने के बावजूद भी तुम सलामत हो, सलामत। वरना मिनट नहीं लगते हैं जिस बच्चे की खुशी में तू पेटियां लेकर छत पे चला है। जरा सी देर में हमने वो बच्चे मशीनों में लेते हुए देखे। फोन लगाते हैं फिर यारों को, रिश्तेदारों को इंतजाम रखना है पैसे का। 10,000 पर्दे का खर्चा है, 5,000 पर्दे का खर्चा है। अब अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है, अब कर आतिशबाजी, अब छोड़ पेटियां, कहाँ चली गई तेरी पेटियां? अब सब कुछ खत्म हो जाता है, अब घर में मातम है, खाना भी नहीं बन रहा, सब मायूस है। क्या हुआ? बच्चे की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टरों ने मशीनों में डाल दिया। अरे डर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के जलाल को दावत मत दे। अल्लाह फरमाता है अम्मा भी नेमती रब्बी का फहद्दिस, मेरी नेमतों के चर्चे करो, मेरी नेमतों को आम करो। ये अल्लाह की नेमत है, इसका चर्चा इस अंदाज से होना चाहिए। अल्लाह की कसम जो आज हो रहा है, अल्लाह भी राजी है, अल्लाह के रसूल भी राजी है। मेरा ईमान कहता है आने वाली नस्लें दीन की गद्दार नहीं, मुस्तफा की सच्ची वफादार। ये सोचने और समझने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। आज कौमे मुस्लिम रुस्वा है हर जगह, आज कौमे मुस्लिम बदनाम है हर जगह। अखलाकी तबूहाली, अखलाकी पस्ती का हम लोग शिकार है। क्या हुआ साहब? हम पिट रहे हैं। क्या हुआ? हम जलील हैं। अपने गिरेबान में झांक के देख, मुफ्ती गुलफाम साहब से पूछ, तू क्यों परेशान है? वजह क्या है? जो रुस्वा है, वजह क्या है? तू जलील है। तो मुफ्ती साहब तुझे जवाब देंगे, कहेंगे कुरान के जरिए, कुरान से हवाला देंगे। अल्लाह फरमाता है अरे तू जो अपने आप को परेशान देख रहा है, ये कोई और नहीं, तेरे ही तो हाथों पे दरसे पूरा। अगर हमने न भुलाया होता ये जमाना, न जमाने ने दिखाया होता, कामयाबी तो तेरे कदमों के बोसे लेती। सर अगर तूने नमाजों में नमाजों का तू आज तक तुझे शौक हुआ, न इस्लाम की बातों पे अमल किया, न कुरान पे तूने अमल किया। मेरे भाई क्या रहे? मोदी बेकार है, योगी बेकार है, प्राइम मिनिस्टर को कोस रहे हैं, चीफ मिनिस्टर को कोस रहे हैं, किसी को मत कोस। अपने गिरेबान के बटन खोल, अपने आप में झांक के देख, तू कितना साफ सुथरा है, तू कितना पाक है। पड़ोसी से तू जलता है, यार से तू जलता है, दिन भर बुराइयां तू करता है, राहों पे झूठ तू बोलता है। गीबत और चुगली तेरा मयार बन चुका है। जिस दिन साफ सुथरा हो जाएगा, जमाना अच्छा हो जाएगा, तू यहाँ भी कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, कब्र और मैदान में। आखिरी बात और तकरीर खत्म, मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। जिसे हम बुरा समझते हैं, मुल्क हिंदुस्तान का पीएम, प्राइम मिनिस्टर, सुन उसका भाषण, गालिबन ग्वालियर की ये धरती थी, स्पीच दे रहा था हमारे मुल्क का प्रधानमंत्री, पीछे बैक साइड मस्जिद थी, मस्जिद से क्यों ही सदाए अजान बुलंद हुई, माइक को नीचे कर दिया। जुमला क्या था? मेरा मकसद ये नहीं है कि उसका कोई खास इससे मतलब था, उसका मफाद मतलब रहा होगा, मगर उसने ये जुमला बोला था बरसरे मिंबर, करोड़ों की भीड़ में। क्या कहा था? मैंने स्पीच को इसलिए बंद कर दिया है कि अजान हो रही है, और अजान के वक्त मुसलमान न बोलता है और न किसी की बोली को। ये मुल्क के पीएम की सोच है, तेरे लिए सोच है, तू मुसलमान है। अब तू देख अपने गिरेबान में झांक कर दे कि तू अजान को खामोशी से सुनता है, तेरे घरों में सुनते हैं या नहीं सुनते। तेरा हाल तो ये है, तूने वॉल्यूम बंद कर दिया है, मगर टीवी बंद,
वॉल्यूम बंद है मगर एलसीडी बंद नहीं है। अरे नाना बस अब खत्म कर दो, आदान हो रही है, बंद मत करना, कहीं ऐसा ना हो कहीं किसी का छक्का ना निकल जाए, किसी यानी बॉलर का किस बॉल पर विकेट ले ले कहीं वो निकल जाए, बंद मत करना। तू लगा हुआ है, तेरा मन वही है, तू तन धन से उसमें जुटा हुआ है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो कौम आदान की कदर नहीं कर सकती यार वो नमाज। आखिरी बात सीएम के ताल्लुक से, गोरखपुर की सरजमीन पर पैदा हुआ वो इंसान जो आज मुल्क हिंदुस्तान के कद्दावर सूबे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, पैदा हुआ गोरखपुर के अंदर, बन गया एक मंदिर का पुजारी, इलेक्शन के मैदान में आता है, चेयरमैनी का इलेक्शन जीत गया, आम इंसान से चेयरमैनी की कुर्सी पर आ गया, मगर उसका ना लिबास बदला और ना सोच बदली। और जल्दी से सुन सुन और आगे कदम बढ़े, विधायक बना, कुर्सी बड़ी मिल गई, मगर सोच और उसका लिबास, सांसद बन गया, कुर्सी और बड़ी मिली, मगर न सोच बदली और न उसका लिबास बदला, यहाँ तक के आज वो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान है, मगर उसकी सोच और उसका लिबास, झूठ बोल रहा हूँ तो बता मेरे भाई, क्या आज भी वो पार्लियामेंट में कदम रखता है, तो क्या नहीं लगता कि ये किसी मंदिर में पूजा कर रहा है? तू बता मेरे भाई, तुझे भी लोग देख के ये कहते हैं कि ये मस्जिद में नमाज पढ़ के आ रहा है, तुझे भी देख के ये पहचान होती है कि ये मुसलमान आ रहा है, क्या तुझे भी देख के लोग खुश हो जाते हैं कि ये नबी का गुलाम आ रहा है? तेरी पहचान कहाँ है? तू कहाँ भटका फिरता है? तू कहाँ खोया है मेरे भाई? तू भी तो ऐसा बन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ दूसरों को मत देख, अपने को देख, तू भी तो ऐसा बन के निकल, अमीरपुर की गली से निकल कर जब रोड पे पहुंचे तो कौम मुस्लिम देख के ये कहे खुश हो जाओ देख करके, ये दुनिया का कोई गद्दार नहीं, मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा वफादार। तू भी तो अपनी पहचान बना, शदीद गर्मी में पंजाबी अपना मुलाजा नहीं बोलता, न उसे ये खतरा के सिर शाम हो जाएगी, गर्मी दिमाग पे चढ़ जाएगी, वो मुलाजा खोलने तैयार नहीं, क्यों नहीं खोलता? पहचान है उसकी, हजारों में पहचाना जाता है, सरदार जी जा रहे हैं, एक अकेला पहचाना गया, और तू 50 ग्राम की टोपी। अबे और तो और और कहां गैरत आएगी तुम्हें? जलसे में तुम्हें टोपियां नसीब नहीं होती, और कहां ओढ़ोगे? जेबें हैं 20-20 तुम्हारी पैंटों में, मगर टोपी नहीं है मेरे भाई। मैं हंसा नहीं रहा हूँ, समझना, हंस लेना खूब, आएगा आपके लिए हंसने के लिए वक्त, मगर सोचिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। मयार को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं, हमारा मकाम वो है, अपना मयार जमाने से जुदा रखते हैं। अरे हम तो महबूब भी महबूब है खुदा रखते, ये याद नहीं है कौमों के हाल, गुनाह किए कौमों ने, बर्बाद कर दिया अल्लाह ताला ने, किसी कौम को डुबा डुबा के मारा, किसी के ऊपर पत्थर बरसा दिए, किसी पर लहू की बारिश की, किसी पे आंधी बबूले भेजे। अरे तू भी तो गुनेगार है, तू किस लिए महफूज है? ये सब कसद का है, आमिना के लाल का, मेरे आका अगर जलवागर ना हो तो तू बर्बाद हो जाए, अगर उनकी रहमत ना हो दरमिया में अभी आग लग जाए। शुक्र कर अल्लाह ताला का कि अल्लाह तुझ पे पत्थर नहीं बरसाता, शुक्र कर मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ दुआ के लिए, दुआ के लिए उठते तेरे हाथ में, ऐ माला ऐ मालिक मेरी कौम को सलामती दे, मेरी कौम को सलामत रखना, तू आज तक महफूज है गुनाह करने के बाद भी। मेरे भाई ये चंद बातें मैंने आपके सामने इसलिए रखी, हो सकता है कोई जुमला किसी के दिल पे असर कर जाए, मुझ जैसे गुनहगार का आना हम अल्लाह की कसम कामयाब हो जाए, और आपकी नेक दुआओं के, नेक आमीन के, पुर खुलूस आपकी समातों के नतीजे में अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। मैं और ज्यादा नहीं, सिर्फ ये कहकर रुखसत हो रहा हूँ। मेरे भाई जो आप सुने अमल करें, अब जलसों को तमाशा बना दिया है, अब जलसे लोग सुनने कमाते देखने ज्यादा, नए नए मंजर मिल रहे हैं ना देखने के लिए, देखने ज्यादा आ रहे हैं, देख कम सुन ज्यादा, और उन कानों से नहीं दिल के कानों से सुन, यहाँ उतार ले बात को मेरे भाई। अगर खैरियत चाहता है, अल्लाह ने सरदारी तुझे दी है, चौराहों पर बदनाम होने के लिए नहीं आया है तू, तेरा मामला तो वो है। कुरान के जरिए कहूंगा, फतह नुसरत का झंडा तेरे हाथ में, कामयाबी का ताज अल्लाह ने तेरे सर सजाया है, शर्त इतनी है कि तू कम से कम
अल्लाह की अजीम और पाक बारगाह में दुआ करें जो मैंने कहा आपने सुना बतकादा बशरियत लाइलमी की बुनियाद पर मैं तिफले मकसब हूँ भाई, कुछ जसारत की है मैंने इन सीनियर शोरा और खुतबा के सामने, तो मुझसे यानी कि अगर कोई जान कर भूल कर गलती हुई हो बड़ा करीम है मेरा रब, निगाह न कर मेरे जुर्मे गुनाह बेहद पर, इलाही तुझको गफूर रहीम कहते हैं। मोहब्बत के साथ जरा कलमा पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।